दोस्तों गोदरेज एक इंडियन कंपनी है और आप सभी को पता है कि गोदरेज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं। खासकर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि रेफ्रिजरेटर या फिर अलमारी के बारे में तो आप सभी को पता होगा। वैसे दोस्तों गोदरेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी आगे है और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोदरेज के 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग के न्यू मॉडल के बारे में। दोस्तों ये जो मॉडल है कंपनी ने 2023 में अभी भी लॉन्च किया है और कंपनी क्लेम करती है कि दोस्तों एक हेवी ड्यूटी एसी है जो कि आपको 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। इस मॉडल के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आपको इस मॉडल को किस कंडीशन में अपने लिए परचेस करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों एक एसी लेने से पहले कुछ चीज़ें आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि दोस्तों एसी लें तो कौन सा लें, विंडोज़ एसी या फिर स्प्लिट एसी, आपकी रूम की साइज़ के हिसाब से आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए, जैसे कि 1 टन 1.5 टन या फिर 2 टन, रूम एटमॉस्फेयर के हिसाब से किस टेक्नोलॉजी का एसी आपको लेना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी। अगर ये सारी कन्फ्यूज़न अगर आपके भी दिमाग में है तो आपको हमारा एसी बाइंग गाइड वीडियो जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो के लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दोनों में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप अपने लिए एक बेस्ट एसी परचेस कर पाएंगे। दोस्तों हम बात करते हैं गोदरेज के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी के बारे में। दोस्तों ये मॉडल जो है वो लेटेस्ट 2023 का गोदरेज का मॉडल है और दोस्तों ये एक हेवी ड्यूटी कूलिंग एसी है जो कि 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों गोदरेज क्लेम करता है कि इनका जो वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर है वो आपको 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडिया में जो वेदर है वो 52 डिग्री एक्सट्रीम होता है, उतना जाता ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ सिटी में जो है वो 48 डिग्री या 49 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर गोदरेज ये क्लेम कर रहा है तो ये काफी बढ़िया बात है। वहीं बात करें कूलिंग कैपेसिटी की तो दोस्तों इस मॉडल में आपको 5050 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी और एक्चुअल टन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो दोस्तों ये एयर कंडीशनर आपको 1.44 टन का देखने को मिलेगा। वहीं पर इस एयर कंडीशनर को दोस्तों आप अप टू 160 स्क्वायर फीट तक के एरिया में यूज कर सकते हैं। आईसी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों 5.10 की आईसी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी और 20 स्टार रेटिंग के हिसाब से दोस्तों ये एयर कंडीशनर सालाना 765 यूनिट कंज्यूम करेगा। दोस्तों आईसी रेटिंग के पैरामीटर जो हैं वो जून 2022 के बाद पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब जितने भी 5 स्टार के एयर कंडीशनर होंगे दोस्तों खास करके इन्वर्टर, उन सभी की आईसी रेटिंग आपको 5 या उससे ज़्यादा की ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वही एयर कंडीशनर जो हैं वो 5 स्टार में काउंट होंगे। वहीं पर नॉइज़ लेवल की बात करें तो दोस्तों इस मॉडल में आपको 44 डेसिबल का नॉइज़ लेवल देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम एवरेज नॉइज़ लेवल की बात करें तो गोदरेज में आपको नॉइज़ लेवल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों 44 डेसिबल नॉइज लेवल इतना ज्यादा भी नहीं रहता है कि जिससे कि आपकी नींद खराब हो जाए। वहीं पर कंडेंसर कॉइल्स और कूलिंग कॉइल्स की बात करें तो गोदरेज ने 100% कॉपर का यूज किया है और दोस्तों जो आपको कूलिंग कॉइल्स मिल रही हैं या कंडेंसर कॉइल्स मिल रही हैं उसके ऊपर आपको ब्लू कलर की कोटिंग प्रोटेक्शन भी गोदरेज की ओर से देखने को मिलेगी, जो कि काफी शानदार है। कोरिजन से दोस्तों आपके एयर कंडीशनर को सेफ रखेगी और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर रेफ्रिजरेंट गैस की बात करें तो दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस देखने को मिलेगी जो कि एनवायरमेंट इको फ्रेंडली गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और कूलिंग के मामले में काफी इफिशिएंट है। दोस्तों अब बात करेंगे इस एयर कंडीशनर में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस एयर कंडीशनर में आपको जो एयर फिल्ट्रेशन मिल रहा है उसके अंदर आपको एंटी डस्ट फिल्टर प्लस एक्टिव कार्बन फिल्टर प्लस निनो कोटेड एंटीवायरल फिल्टर मिलेगा जो कि हवा से डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया इन सबको रिमूव करेगा और आपको एक फ्रेश एयर की गारंटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि दोस्तों आपको एक हेल्दी एयर जो है वो इस एयर कंडीशनर में मिलने वाली है। दोस्तों बात करें अगले फीचर की तो इस मॉडल में आपको एंटी माइक्रोबल सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर मिलेगा। दोस्तों ये एक तरह का सेल्फ क्लीन फीचर है, सपोज दोस्तों आपके एयर कंडीशनर के जो इंडोर यूनिट में कूलिंग कॉइल्स हैं उसके ऊपर अगर कुछ मॉइस्चर आ जाता है या फिर कुछ डस्ट
फ्रीज हो जाती है, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इसे क्लीन कर पाएंगे और इससे आपको एक फ्रेश एयर जो है वो कंटिन्यू एयर कंडीशनर की ओर से मिलती रहेगी। दोस्तों गोदरेज के इस एयर कंडीशनर में आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल देखने को मिलेंगे जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे, जिससे कि लोड जो है वो एसी पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होगी। वहीं पर दोस्तों इस एयर कंडीशनर में जो आपको पीसीबी मिलेगी उसके ऊपर आपको पावरफुल मेटल गार्ड यानी कि एक तरह का कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे कि पीसीबी की लाइफ जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस एयर कंडीशनर में आपको एकोजिस्टिक जैकेट ऑन कंप्रेसर यानी कि एक तरह का जैकेट हम कह सकते हैं कि कंप्रेसर के ऊपर मिलेगा, जिससे कि आउटडोर यूनिट जो है वो नॉइज थोड़ा सा कम करेगा। इस मॉडल में दोस्तों आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर भी देखने को मिल जाएगा। सपोज अगर आपके एसी में कोई प्रॉब्लम है तो एरर कोड जो है वो एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर आपको विजिबल होगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके एसी में क्या प्रॉब्लम है। वहीं पर वारंटी की बात करें तो दोस्तों गोदरेज की ओर से इस प्रोडक्ट पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 10 साल की आपको जो है वो कंप्रेसर पर वारंटी मिलेगी और 5 साल की पीसीबी पर। अब बात करते हैं दोस्तों इंडोर यूनिट की साइज और आउटडोर यूनिट की साइज के बारे में। तो दोस्तों इंडोर यूनिट आपको जो है गोदरेज के इस एसी में 11 केजी का देखने को मिल जाता है, वहीं पर आउटडोर यूनिट दोस्तों आपको जो है वो 26 केजी का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो एयर कंडीशनर है वो अप टू 160 स्क्वायर फीट तक के लिए ठीक है, क्योंकि दोस्तों आउटडोर यूनिट थोड़ा सा छोटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इंडोर यूनिट और अगर आउटडोर यूनिट की साइज आपको छोटी मिल रही है तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी कूलिंग पर पड़ता है, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों अगर आउटडोर बड़ा मिल रहा है या इंडोर बड़ा मिल रहा है, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि ओ जनरल या फिर एलजी के कुछ मॉडल या फिर मित्सुबिशी के मॉडल की बात करें तो इनमें खासकर आउटडोर काफ़ी बड़ा मिलता है और इंडोर भी काफ़ी बड़ा मिलता है, इससे कि वो एसी जो है वो कूलिंग के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस आपको देते हैं। लेकिन इस मॉडल में दोस्तों आपको जो है वो आउटडोर केवल 26 केजी का ही देखने को मिल रहा है। ऑन एन एवरेज अगर हम अदर मॉडल्स की बात करें तो कम से कम दोस्तों काफ़ी सारे मॉडल के अंदर आपको 30 केजी या 31 केजी या 32 केजी और जो काफ़ी सारे अदर मॉडल्स हैं जैसे कि मित्सुबिशी या ओ जनरल की बात करें तो उनके अंदर दोस्तों आपको आउटडोर यूनिट जो है वो 40 केजी 45 केजी के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों वो जो एसी होते हैं वो कूलिंग इफिशियंट होते हैं और वो 1.5 टन का एसी भी उनका दोस्तों अप टू 200 स्क्वायर फुट तक के एरिया को इजीली कूल करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो सजेस्ट स्टार्टिंग में किया था कि ये जो एसी है वो 160 स्क्वायर फुट तक के एरिया के लिए ठीक है, यानी कि अगर आप इस एसी को खरीदना चाहते हैं तो अप टू 160 स्क्वायर फुट तक के एरिया के लिए कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों इस एसी की प्राइस की बात करें तो सबसे अच्छी बात इस एसी की ये है कि दोस्तों इसकी जो करंट प्राइस है वो फिलहाल आपको मिल जाएगा ये एसी 37,490 रुपये में। अगर हम इस प्राइस की बात करें तो इस प्राइस में अगर आप 5-स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा, वो भी 5+ ICR वैल्यू के साथ में। तो इस एसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है। वहीं पर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटडोर यूनिट छोटा मिल रहा है, वहीं पर थोड़ा बहुत नॉइज लेवल भी इस एसी में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप इन नेगेटिव पॉइंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका रूम छोटा है और आप चाहते हैं कि इस बजट में आपको एक 5-स्टार रेटिंग का एसी मिल जाए, तो गोदरेज के इस एसी को आप बिल्कुल अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिफोर बाइंग आप गोदरेज के सर्विस सेंटर के बारे में पहले ज़रूर पता कर लें कि वो भी किसी भी कंपनी का मॉडल हो या कैसा भी मॉडल हो, उसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका सर्विस सेंटर वो जो कि आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुई तो आफ्टर सेल सर्विसेज में सर्विस सेंटर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एसी के बारे में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।